ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माता ने तप करने से शिव जी को प्रसन्न किया था। देवी ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है, ब्रह्मचारिणी हीं श्री अंबिकाए नमः या ओम ए हीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। मान्यता है कि ब्राह्मण को दान में चीनी ही देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को दीर्घायु मिलती है। इसके अलावा उन्हें दूध दही का भी भोग लगता है। माता का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के दाने हाथ में जपकी की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। भगवती दुर्गा शिव स्वरूप गणेश जननी नारायणनी ब्रह्मचारिणी के प्रसिद्ध नाम है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि ये मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा पाने के लिए मनुष्य को तप, त्याग, संकल्प, सदाचार का उपासना करना चाहिए। इससे मनुष्य की वृद्धि होती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार देवी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इसकी पूजा से मंगल ग्रह से जुड़ी सभी समस्या दूर हो जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।